बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अरबाज़ फ़ारूक और आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं आपकी खिदमत में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन के बटन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट भी आपको मिल सके। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, क्योंकि इस वक्त कोरोना वायरस हर तरफ फैला हुआ है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए हाथों को साफ़ रखने की आदत अपनाएं। आप अपने हाथों को 10 सेकंड या 20 सेकंड तक लाजमी धोएं। कोरोना वायरस तेज़ी से हमारे मुल्क में भी फैल रहा है। हम अपने चैनल के थ्रू सबको यही कहेंगे कि आप अपनी तरफ से फुल एहतियात करें और जो भी एहतियाती तदाबीर हैं या हमें बताई गई हैं उनको ज़रूर अपनाएँ, और जब भी घर से बाहर निकलें मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप मज़ीद कोरोना वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमारा रिसेंट इंटरव्यू देख सकते हैं, जो कि हमने निश्तर हॉस्पिटल के एक डॉक्टर के साथ इंटरव्यू किया जिनका नाम डॉक्टर मुनव्वर इकबाल था। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आप अपनी आज की वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम आपको सरल फार्मास्यूटिकल कंपनी का ओवरव्यू बताएंगे और सरल कंपनी के तमाम प्रोडक्ट्स की डिटेल भी आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सरल फार्मास्यूटिकल कंपनी 1965 से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है और सरल कंपनी का हेड क्वार्टर कराची में है। सरल कंपनी में तकरीबन 5000 तक एम्प्लॉइज़ इस वक्त वर्क कर रहे हैं, या 5000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ वर्क कर रहे हैं। सरल कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग देती है कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे मेंटेन करें, और लोगों की हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में भी एम्प्लॉइज़ को ट्रेन करती है। सरल फार्मास्यूटिकल कंपनी पाकिस्तान की 5th रैंक्ड कंपनी है। सरल कंपनी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है और अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रॉपर रिसर्च करती है, और उसके बाद ही मार्केट में जो है उसको लॉन्च करती है। तो दोस्तों अब हम आपको सरल कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिटेल बताते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को भी पूरा देखें। तो आइए अब हम इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको सरल फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिटेल बताता हूँ, और मैं शुरू करता हूँ हाइड्रालिन सिरप से। आप देख सकते हैं हाइड्रालिन सिरप जो है ये कफ सिरप है। जब आपको खांसी वगैरह हो आप उस वक्त इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरल कंपनी का लोगो भी मौजूद है। आप जब भी कोई प्रोडक्ट ख़रीदें उसका लोगो ज़रूर चेक किया करें, क्योंकि इस वक्त मार्केट में हर कंपनी के जो हैं वो कॉपीज़ आ चुकी हैं। उसका लोगो ज़रूर चेक किया करें, एक्सपायरी डेट भी ज़रूर चेक किया करें। बगैर एक्सपायरी डेट चेक किए आप कोई मेडिसिन मत खरीदा करें। हाइड्रालिन सिरप जो है आपको के खांसी के वक्त काम आता है। आप इस सिरप को यूज़ करके अपने कफ को आसानी से दूर कर सकते हैं। यह आपकी खुश खांसी के लिए या बलगमी खांसी के लिए ये सिरप इस्तेमाल होता है। और इसके बाद हमारे पास हाइड्रालिन डीएम में भी है, ये ज़्यादातर जो ये आपकी खुश खांसी के लिए यूज़ किया जाता है। इसको भी आप दिन में 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी हाइड्रालिन सिरप है। ये शुगर फ्री जो हमारे पास हाइड्रालिन सिरप है, ये आप देख सकते हैं हाइड्रालिन शुगर फ्री के फॉर्म में भी हमारे पास अवेलेबल है। इसके हमारे पास मेट्रोजीन सिरप भी है। ये जब आपको मोशन वगैरह होते हैं उस वक्त आप इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास डाया जिंक सिरप है। ये भी जब आपको जिंक की कमी होती है या जब आपको मोशन वगैरह लगते हैं उस वक्त में नमकियात की कमी हो जाती है उस वक्त आप इस सिरप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट है सुरल का सिरप। ये जब आपको मैदे के इशूज़ होते हैं, स्टमक में आपको किसी भी किस्म का मसला होता है उस वक्त आप इस सिरप को दिन में 3 दफ़ा यूज़ करें। एक एक चम्मच, दो दो चम्मच आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मेट्रोडिन प्लेन में भी और मेट्रोडिन डीएफ, ये दोनों सिरप हमारे जो हैं आपको जब मोशन होते हैं उस वक्त आप इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को जो है आप दिन में 3 दफ़ा यूज़ करा सकते हैं एक एक चम्मच। जो ये इसको इस्तेमाल करने के बाद जो है बच्चों को जो भी किसी भी किस्म के मोशन वगैरह या डायरिया वगैरह होता है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर है जी मोक्स सिरप हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ये एक एंटीबायोटिक सिरप है। याद रखें, ये देखिए जी मोक्स मोक्सिसिलिन, याद रखें कि ये जो भी आप प्रोडक्ट ख़रीदें आप उसका लोगो ज़रूर चेक कर लिया करें, क्योंकि लोगो जो है वो आपको बताएगा कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं है। और साथ में एक्सपायरी डेट भी ज़रूर चेक कर लिया करें। बगैर एक्सपायरी डेट चेक किए आप कोई भी मेडिसिन मत ख़रीदा करें। 11/21 इसकी एक्सपायरी डेट है। तो मैंने आपको पहले भी अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो भी आप एंटीबायोटिक सिरप यूज़ करते हैं तो उसको जो है आप मैक्सिमम
क्योंकि वो पाउडर की फॉर्म में होता है, उसको जब आप बना लेते हैं उसके बाद जो है आप उसको जस्ट 1 वीक तक ही यूज़ करेंगे, और यूज़ करने से पहले जो है आप उसको जो अच्छी तरह शेक करेंगे, उसके बाद ही आप उस सिरप को जो है वो यूज़ करेंगे। उसको जो है आप जो भी है उसके अंदर पानी यूज़ करेंगे वो नीम गर्म पानी होना चाहिए, ऐसे आप बिल्कुल भी उस सिरप को यूज़ नहीं करेंगे। तो ये वक्त सिर्फ आप उस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब आपको ये गले में पेन वगैरह हो या बुखार वगैरह, उस वक्त आप ये सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जैसल कंपनी के एक और प्रोडक्ट है ल्यूमार्क, उसके बाद हमारे पास स्पाइरोमाइड है। ये आपके जो है ये यूरिन में जब इशूज़ वगैरह होते हैं, जब आपको यूरिन सही तरह से नहीं आता उस वक्त आप ये टैबलेट यूज़ करते हैं। ये हमारे पास 20 मिलीग्राम में भी अवेलेबल है, 40 मिलीग्राम में भी अवेलेबल है, और आप इस टैबलेट को जो है दिन में 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। खाना खाने के बाद आप इस टैबलेट को यूज़ करेंगे, और इस टैबलेट को जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं जैसे भी आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आप इस टैबलेट को वैसे यूज़ करेंगे। इसके लिए हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट है सरल कंपनी का अल्डेक्टोन, उसके बाद हमारे पास कैलान SR है, ये भी सरल कंपनी का प्रोडक्ट है। एक्सपायरी डेट आप ज़रूर चेक किया करें, बगैर एक्सपायरी डेट चेक किए आप कोई भी मेडिसिन मत खरीदा करें। इसके हमारे पास सीरीनेस टैबलेट है, ये कैलान 40 में भी हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर अवेलेबल है। अल्डेक्टोन भी है, यहाँ पर हमारे पास मेटोडीन है नेक्स्ट प्रोडक्ट सरल कंपनी का मेटोडीन टैबलेट, ये बड़ों के लिए है, जब बड़ों को मोशन वगैरह होते हैं उस वक्त ये सिरप यूज़ की ये टैबलेट जो है यूज़ की जाती है। आप इस टैबलेट को जो है रेगुलर 3 से 4-5 दिन तक इस टैबलेट को आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी पैकिंग भी मैं आपको साथ में दिखाता चलूँ, ये देखें ये है आपकी मेटोडीन टैबलेट जो है, ये पत्ते के ऊपर भी जो है स्ट्रिप के ऊपर भी जो है एक्सपायरी डेट मेंशन होती है। एक्सपायरी डेट जो है आप ज़रूर चेक किया करें, बगैर एक्सपायरी डेट चेक किए आप कोई मेडिसिन मत खरीदा करें, और साथ में कंपनी का लोगो जो है वो भी ज़रूर चेक किया करें। यहाँ देखिए यहाँ पर इसके कंपनी का लोगो लिखा हुआ है सरल कंपनी, क्योंकि मार्केट में जो है वो काफ़ी कॉपीज़ आ चुकी हैं, इसलिए आप कंपनी का लोगो जो है वो ज़रूर चेक किया करें। कंपनी का लोगो बगैर कंपनी के लोगो के चेक किए आप कोई भी मेडिसिन मत खरीदा करें। इसके अलावा जो हमारे पास मेटोडीन DF टैबलेट में भी अवेलेबल है, पहले मैंने आपको मेटोडीन प्लेन दिखाई, अब मेटोडीन DF है, ये भी सरल कंपनी का प्रोडक्ट है, ये भी जो है आपके मोशन में काम आता है, जब आपको मोशन लगे हुए होते हैं उस वक्त आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। दिन में 3 दफ़ा या 2 दफ़ा आप इस टैबलेट को रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है सरल कंपनी का रूलेफ है, एमसिन हमारे पास जो है, इसके हमारे पास लिस्पाफोल्ट है, ज़िडीन हमारे पास, ये भी एक आपकी एक एंटी एलर्जिक है, जब आपको स्किन एलर्जिक होती है या जब आपको जुकाम वगैरह नज़ला जुकाम वगैरह हो तो उस वक्त भी आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। याद रहे कि आप इस टैबलेट को जो सिर्फ रात के वक्त रात सोने से आधा घंटा पहले जो है आप इस टैबलेट को यूज़ करेंगे। और ये भी आपको सरल कंपनी का प्रोडक्ट है, ये देख सकते हैं यहाँ पर आप लिखा हुआ है सरल कंपनी, सरल कंपनी का ये प्रोडक्ट है। इसकी पैकिंग भी मैं आपको साथ में दिखाता चलूँ, ये देखें ये एक एंटी एलर्जिक टैबलेट है, ये देखें ये है ज़िडीन टैबलेट, ये हमारे पास 2 से 3 मिलीग्राम में अवेलेबल होता है, 120 में भी है, 60 मिलीग्राम में भी अवेलेबल, और 180 में भी अवेलेबल होता है। ये जब आपको जुकाम वगैरह हो या एलर्जी वगैरह उस वक्त आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़िडीन 60 मिलीग्राम में भी है और ज़िडीन प्लस में भी है, तो ये आपकी एंटी एलर्जिक टैबलेट है, एलर्जी की सूरत में आप इस टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है मेट्रोजीन 400, ये आप मोशन के वक्त पे भी यूज़ कर सकते हैं, और जब आपके जब दांत में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और उसके साथ जो पस हो जाती है उस टैबलेट को जो है आप ये यूज़ कर सकते हैं, और दिन में 3 दफ़ा आप इस टैबलेट को यूज़ करें। इसके हमारे पास लोमोटिल है, लोमोटिल ये जो है ये आपकी जब मोशन वगैरह होते हैं या उस वक्त आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। इसके हमारे पास ग्रेविनेट है, ये उल्टियों की सूरत में जो है आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास ग्रेविनेट इंजेक्शन भी अवेलेबल है, आपको जब उल्टियाँ लगती हैं या जब आपको जो है पेन होता है मैदे में उस वक्त भी जो है आप इस इंजेक्शन को लगवा सकते हैं, इस टैबलेट को आप उल्टियों की सूरत में यूज़ कर सकते हैं। और क्वेश्चन याद रहे कि इसमें हमारे पास ये सिरप भी अवेलेबल है, सिरप को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि जब बच्चों को ये उल्टी वगैरह लगती हैं तो उस वक्त जो है आप इस सिरप के आधा घंटा बाद जो है आप आधे घंटे तक आप कुछ भी नहीं उसको खिलाएंगे ना ही कुछ पिलाएंगे, यानी कि पानी का एक कतरा तक भी एक घूंट तक भी आप उसको नहीं पिलाएंगे। जब आप इस सिरप को यूज़ करेंगे तो उस वक्त जो है आप आधे घंटे तक बच्चों को कुछ भी नहीं खिलाएंगे। तो ये ग्रेविनेट सिरप है, ये उल्टियों की सूरत में काम आता है। इसके लिए हमारे पास निग्राम सिरप है, ये भी जो है मोशन वगैरह के लिए यूज़ किया इसके याद। इसके हमारे पास एलिक्सिया है, हमारे पास ये भी ये वैसे शुगर फ्री में अवेलेबल होता है, हमारे पास एलिक्सिया ड्रॉप्स में भी है, कफ में भी है, और प्लस प्लेन में भी है और प्लस में भी है। ये जब आपको खांसी वगैरह होती है, काफ़ी ज़्यादा खांसी होती है, बल्कि में खांसी है, खुश खांसी है, उस वक्त जो आप इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 दफ़ा आप इस सिरप को यूज़ करें, 2 चम्मच, जिनकी उम्र जो है 12 साल से लेकर 18 साल तक है
वही सिरप को जो है दिन में 2 से 3 दफ़ा यूज़ करें, 2-2 चम्मच डेली यूज़ करें। और जो बड़े हैं 18 साल या 20 साल से ऊपर जिनकी उम्र है, वो जो है दिन में 3 दफ़ा यूज़ करेंगे, वो भी 2-2 चम्मच यूज़ करेंगे। इसके हमारे पास सैफिक जाइम सिरप है, ये एक पाउडर की फॉर्म में है। इसको हम बनाने का तरीका भी आपको बताते चलेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये सैफिक जाइम में हमारे पास फार्मूले में अवेलेबल है। टूटी फ्रूटी इसका फ्लेवर है। ये जब आपको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह होता है या गले में आप काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, उस वक्त आप इस सिरप को यूज़ करा सकते हैं बच्चों में। ये मैं आपको इसकी पैकिंग भी दिखाता चलूँ। ये देखें, ये इसकी पैकिंग है। इसके अंदर एक ढक्कन भी मौजूद होगा या कोई चीज़ मौजूद होगी। ये देखें, इसके अंदर ये पानी इसके ऑलरेडी गिवन है, तो ये पानी जो है आप इसके अंदर ये पूरा डाल देंगे और इसको अच्छी तरह जो है आप शेक कर लेंगे। और शेक करने के बाद जब आप इस सिरप को बना लेंगे, उसके 7 दिन के अंदर ही आप इस सिरप को यूज़ करेंगे। 7 दिन के बाद जो है आप इस सिरप को बिल्कुल भी यूज़ मत करें। अगर आपका सिरप बच जाता है तो आप इसको ज़ाया कर दें। 7 दिन के अंदर ही आप इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो एक्सपायरी डेट होती है, यानी कि बनने के बाद, वो जस्ट 7 डेज़ रह जाती है। उसके बाद आप इस टैबलेट को बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको बताएं, हमारे पास जो एक्सटोर अवेलेबल है, एक्सटोर हमारे पास सरल कंपनी का प्रोडक्ट है, 5x180 और 10x160 हमारे पास अवेलेबल है। यह आपके जब ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, उस वक्त आप इस टैबलेट को यूज़ करते हैं। फिर डॉक्टर साहब आपको जो भी टैबलेट लिख कर देते हैं, आप सिर्फ वही टैबलेट, वही मिलीग्राम, उसी क्वांटिटी के हिसाब से यूज़ करें। तो ये इसकी पैकिंग भी मैं आपको साथ में दिखाता चलूँ। ये भी हमारे पास मुख्तलिफ मिलीग्राम है, 5x160 में भी है, 5x180 का भी हमने आपको बताया, और 10x160 में भी है। जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, ब्लड प्रेशर वैसे जो नॉर्मल है उसकी वो होता है 120 से 130 वाला ऊपर होता है, और नीचे जो है आप 80 से 85 तक नॉर्मल होता है, उसके ऊपर जो है वो ब्लड प्रेशर हाई होता है, उस वक्त आप ये टैबलेट लेते हैं। ये देखें, ये है एक्सटोर हमारे पास है, 5x160 में अवेलेबल है। ये सरल कंपनी का प्रोडक्ट है। ये देखिए, यहाँ पर सरल कंपनी का लोगो भी लिखा हुआ है। आप जब भी कोई मेडिसिन खरीदें, उस कंपनी का लोगो ज़रूर चेक कर लिया करें बगैर, क्योंकि आजकल मार्केट में जो है काफ़ी कंपनीज़ के जो है वो कॉपीज़ आ चुकी हैं, तो किसी भी कंपनी का लोगो जो है वो आपको बताएगा कि वो प्रोडक्ट ओरिजिनल है या उसकी कॉपी है। इसके अलावा एक्सपायरी डेट का हमने बहुत ज़्यादा जोर दिया, एक्सपायरी डेट आप ज़रूर चेक किया करें। बगैर एक्सपायरी डेट चेक किए आपको भी मेडिसिन मत खरीदा करें। हमने एक्सटोर का आपको बताया, एक्सटोर जो है आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हमारे पास बेस्कार्ड है, ये भी आपके ब्लड प्रेशर के वक्त काम होती है, ब्लड प्रेशर के को नॉर्मल करने के लिए टैबलेट यूज़ होती है बेस्कार्ड। ये भी सरल कंपनी का प्रोडक्ट है। ये हमारे पास 10 मिलीग्राम में भी अवेलेबल है, 5 में भी है, और हमारे पास 2.5 मिलीग्राम में भी सरल कंपनी की अवेलेबल है। तो ये देखें, यहाँ पर भी सरल कंपनी का लोगो लिखा हुआ है, एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई है। एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक किया करें, क्योंकि एक्सपायरी डेट के अंदर ही आप उस टैबलेट का जो है वो बेस्ट यूज़ होता है। एक्सपायरी डेट के अंदर ही आप उस टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट ख़त्म होने से पहले पहले। ये हमारे पास 10 मिलीग्राम की पैकिंग भी हमने आपको साथ में दिखाई। ये जो भी स्ट्रिप होगी किसी भी, उसके ऊपर जो है ये एक्सपायरी डेट भी यहाँ पर लिखी हुई होती है, ये उसके ऊपर एक्सपायरी डेट आप ज़रूर चेक किया करें। तो ये जो है आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए टैबलेट यूज़ की जाती है। या डॉक्टर साहब जो है आपको जो भी टैबलेट लिख कर दें, जिस भी क्वांटिटी के लिख कर दें, आप उसी वक्त यूज़ करें। दिन में 1 दफ़ा भी आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं, 2 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको डॉक्टर साहब तजवीज़ करते हैं, कंसल्ट करते हैं, उस तरह ही आप जो यूज़ किया करें। याद रखें कि आपको जब भी किसी भी किस्म का जो है मर्ज़ हो, तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट किया करें, क्योंकि आपका डॉक्टर जो है वो आपको ज़्यादा बेहतर से जानता है कि आपकी तबीयत के मुताबिक आपको कौन सी टैबलेट जो है वो ज़्यादा सूट करती है, कौन सा फार्मूला जो है वो ज़्यादा सूट करता है। इसलिए आप डॉक्टर से कंसल्ट किया करें, उसके बाद ही आप कोई भी मेडिसिन जो है वो ख़रीदा करें या यूज़ किया करें। इसके अलावा आपको बताएँ, जेंटन मेट जो है ये आपकी शुगर के लिए टैबलेट यूज़ की जाती है। हमारे पास मुख्तलिफ जो MGs अवेलेबल हैं, 50x1000 में भी है और 50x500 में भी है। ये भी जो भी डॉक्टर आपको जैसे तजवीज़ करता है, आप वैसे इस टैबलेट को यूज़ करें। कि शुगर के लिए इस टैबलेट को यूज़ की जाती है। शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल होता है 80 से लेकर 120, 130 या 140 तक मैक्सिमम नॉर्मल होता है, उससे ऊपर जो शुगर हाई होती है। और जो भी शुगर के पेशेंट्स हैं उनको डॉक्टर जो है ये टैबलेट्स लिख कर देते हैं।
और इसका जो है आप खाने के दौरान भी यूज़ करना होता है या खाने से पहले भी लिख कर देते हैं या खाने के बाद भी है आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है आप शुगर लेवल को नॉर्मल करने के लिए इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। तो डॉक्टर साहब आपको जैसे यानी कि जो भी मिलीग्राम 50/500 में लिख कर दें तो आप वो यूज़ करें, 50/1000 में लिख कर दें तो वो यूज़ करें। और डॉक्टर पहले जो है आपको 50/500 में, जब अगर आप पहली दफ़ा यूज़ करें तो 50/500 में लिख कर देंगे और उसके बाद आपका कंट्रोल नहीं होता शुगर लेवल, उसके बाद जब आपको 50/1000 में लिख कर देते हैं तो उस तरह आप ऐसे ही दिन में एक दफ़ा कहें तो एक दफ़ा यूज़ करें, दो दफ़ा यूज़ करें। इसके अलावा आपको बताएं डेस्कटॉप, ये हमारे पास मैदे के लिए डेक्सलेमज़ाप्रोजोल या एक एडवांस फार्मूला है और ये सरल कंपनी का प्रोडक्ट है। आप कंपनी का लोगो ज़रूर चेक कर लिया करें जब भी आपको भी प्रोडक्ट खरीदें। और ये आपके स्टमक के लिए, स्टमक में आपको जब भी कोई बर्निंग वगैरह होती है, जलन वगैरह होती है, पेन वगैरह होता है, आपको मतली वगैरह आती है, कह वगैरह काफ़ी ज़्यादा आती है, तो उस सूरत में जो आप इस कैप्सूल को दिन में 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। खाना खाने से पहले भी यूज़ कर सकते हैं और खाना खाने के बाद में भी, अगर बाद में यूज़ करते हैं तो 15 मिनट बाद, अगर पहले यूज़ करते हैं तो आप जो है आधा घंटा पहले यूज़ करेंगे तो ये जो है आपके स्टमक के जो भी इशूज़ हैं उनको ख़त्म कर देगा। तो इस सूरत में जो है आप स्टमक में जब आपको जलन वगैरह होती है सूरत में आप इस कैप्सूल को यूज़ करते हैं और दिन में 2 दफ़ा यूज़ करेंगे। ये देखें, ये पूरे पत्ते के ऊपर जो इनके कंपनी का प्रोडक्ट का ये लोगो लिखा हुआ है, सरल यहाँ पर पूरी कंपनी का नाम जो वो लिखा हुआ है, जिसकी पैकिंग ये देख सकते हैं। डेस्कटॉप 30 मिलीग्राम हमारे पास है, ये डेस्कटॉप 30 मिलीग्राम में भी अवेलेबल होता है इस कंपनी का और डेस्कटॉप 60 मिलीग्राम में भी हमारे पास अवेलेबल होता है। तो ये दोनों जो है ये मैदे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास ल्यू मार्क अवेलेबल है सरल कंपनी का 500 mg में, 250 mg में ल्यू मार्क XR हमारे पास 500 mg में भी अवेलेबल होता है। इसके अलावा हमारे पास ओस्टीजेम टैबलेट है, ये जब भी आपको जो हड्डियों में कमी, हड्डियों की जो ताकत में कमी हो जाती है उसको बढ़ाने के लिए, कैल्शियम के लिए, विटामिन D3 विटामिन K2 इसमें है हड्डियों की ताकत के लिए यूज़ की जाती है। जब आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं उस वक्त आप इस टैबलेट को यूज़ करते हैं। और ये भी एक सरल कंपनी का प्रोडक्ट, इसकी पैकिंग भी मैं आपको साथ में दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं। इसकी एक्सपायरी डेट पहले मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें एक्सपायरी डेट इसकी 6/21 और यहाँ पर प्राइस भी लिखी हुई है 540 इंक्लूडिंग GST यानी कि जनरल सेल्स टैक्स इसमें ऐड किए हुए हैं, उसके साथ इसकी प्राइस जो 540 है। तो ये आपकी हड्डियों की ताकत के लिए टैबलेट यूज़ की जाती है। ये देखें, ये इसकी पैकिंग मैं आपको दिखाता हूँ, ये है ओस्टीजेम, ये भी सरल कंपनी का प्रोडक्ट है। लेकिन पत्ते के ऊपर भी जो है, स्ट्रिप के ऊपर भी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, आप वो भी यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट 2021 इसकी एक्सपायरी डेट है। ओस्टीजेम जो है ये आपकी हड्डियों की ताकत के लिए यूज़ की जाती है। जब आपको हड्डियों में किसी किस्म की चोट वगैरह लग जाती है उस वक्त भी आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं, उस वक्त आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। तो इस टैबलेट को यूज़ करने का तरीका ये है कि आप दोपहर के वक्त अगर यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपके निकलते हैं, या खाने खाने के सुबह नाश्ते के बाद आप इस टैबलेट को यूज़ करें। कोशिश करें कि आप इस टैबलेट को जो है दूध के साथ यूज़ करें या जूस के साथ यूज़ करें, तो उस सूरत में जो है आपके मैदे में भी किसी किस्म के इश्यूज़ नहीं हैं, क्योंकि ये काफ़ी हैवी जो है ये विटामिन होते हैं। तो इस सूरत में जो है आपको आसानी से आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है आपके हड्डियों में, हड्डियों की ताकत के लिए टैबलेट यूज़ की जाती है। इसके हमारे पास एक और है जो ब्लड प्रेशर के लिए टैबलेट यूज़ की जाती है, ओलिस्टा AM, इसमें भी मुख्तलिफ मिलीग्राम अवेलेबल हैं, 5/40 में भी है, 10/40 में भी है, और 5/20 और 10/20, ये तमाम हमारे पास ओलिस्टा के मिलीग्राम हमारे पास अवेलेबल हैं। ये जैसे भी डॉक्टर जो है आपको सजेस्ट करते हैं आप उस तरह इस टैबलेट को यूज़ करें, दिन में 2 दफ़ा भी कर सकते हैं और 1 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आपका ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हाई रहता है तो आप इस टैबलेट को जो है दिन में 2 दफ़ा यूज़ करेंगे, अगर जो है कम, अगर यानी कि काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं रहता तो उस सूरत में जो आप एक दिन में 1 दफ़ा एक टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर सरल कंपनी के एक और प्रोडक्ट है जेन बार, ये हमारे पास 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम और 60 मिलीग्राम, ये 3 मिलीग्राम है, 20, 30 और 60 मिलीग्राम हमारे पास ये अवेलेबल होता है। ये भी जो है आपके मैदे के लिए यूज़ किए जाते हैं, मैदे के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आपके मैदे में काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है या काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं, जब भी आप खाना खाते हैं आपको हाजमा नहीं होता या भूख वगैरह नहीं लगती, तो सूरत में जो है आप इन कैप्सूल को यूज़ करते हैं। खाना खाने से पहले इसलिए आप यूज़ करते हैं क्योंकि आपको उस खाना खाने से पहले भूख आपको लगती नहीं है, तो इस कैप्सूल के खाने से जो है आपका हाजमा वगैरह जो है वो क्लियर हो जाता है। तो इस सूरत में जो है आप इस कैप्सूल को जो आसानी से यूज़ करके जो है आपको भूख वगैरह भी सही लगती है। तो इस तरह जो है आप इस कैप्सूल को दिन में 2 दफ़ा यूज़ करें, खाना खाने से पहले यूज़ करें। हमारे पास इसके अलावा है रोटिक, हमारे पास 75 मिलीग्राम में भी है और इस तरह हमारे पास इसकी 50 मिलीग्राम में भी हमारे पास अवेलेबल है। ये भी एक पेन किलर, याद रखें कि आप जब भी कोई पेन किलर यूज़ करते हैं तो आप उसको ज़्यादा डेज तक यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कोई भी पेन किलर ज़्यादा दिन तक खाते हैं तो उससे जो है आपके स्टमक के इशूज़ वगैरह जो है वो सामने आते हैं।
आपके स्टमक में आपका जो है वो खाना वगैरह आप सही तरह हज़म नहीं कर सकते, मैदे में जलन वगैरह शुरू होना लग जाती है। ये पेन किलर ज़्यादा खाने की वजह से जो है आपके जो है मैदे में या स्टमक में जो है वो इश्यूज़ वगैरह होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अलावा जो है हमारे पास जो है आप इस टैबलेट को 5 से 7 दिन तक ज़्यादातर खाएँ। ये किसी भी किस्म का पेन हो उस सूरत में आप ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको दांत में भी पेन है या बॉडी के किसी भी हिस्से में पेन है तो इस सूरत में भी आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास है वेंटिक मोंटिलो कास्ट सोडियम में काफ़ी कंपनीज़ के प्रोडक्ट हैं और ये सरल कंपनी का प्रोडक्ट है। यहाँ पर लोगो है, लोगो ज़रूर चेक किया करें। यहाँ पर कोई भी मेडिसिन खरीदने से पहले उस कंपनी का लोगो ज़रूर चेक कर लिया करें क्योंकि मार्केट में काफ़ी कॉपीज़ आ चुकी हैं तो ये लोगो आपको बताएगा कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या ओरिजिनल नहीं है। तो इसकी एक्सपायरी डेट भी यहाँ पर मैंशन है 10/2/21। एक्सपायरी डेट आप ज़रूर चेक किया करें, बगैर एक्सपायरी डेट चेक किए आपको भी मेडिसिन मत खरीदा करें। तो वेंटिक हम आपको बता रहे थे, वेंटिक मोंटिलो कास्ट सोडियम है, ये 10 मिलीग्राम हमारे पास अवेलेबल है। तो ये जो है आपके जब भी गले में खराश वगैरह होती है या आप गले में पेन वगैरह होता है, ज़ुकाम वगैरह होती है, उस वक्त आप इस सूरत में जो है आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। और आप इस टैबलेट को जो है सिर्फ दिन में एक ही मरतबा यूज़ करेंगे, रात सोने से आधा घंटा पहले आप इस टैबलेट को खाना खाने के बाद यूज़ करेंगे। और इस तरह जो है अगर आपको सांस वगैरह का इशू भी होता है तो उस सूरत में भी ये टैबलेट आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको साथ में सांस का इशू तो आप इस टैबलेट को दिन में 2 दफ़ा यूज़ करें, खाना खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद और रात खाने के बाद, आधा घंटा बाद आप इस टैबलेट को यूज़ करें। इसका हमारे पास लोवेंजो हमारे पास है, ये भी आपके मैदे के लिए, ओमेप्राजोल मिलीग्राम में है, ये सरल कंपनी का प्रोडक्ट है। जो लोवेंजो ये भी आपके मैदे के लिए काम आता है, मैदे में आपके जब जलन वगैरह होती है उस वक्त आप इस कैप्सूल को यूज़ करते हैं। हमारे पास 20 मिलीग्राम में भी अवेलेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 मिलीग्राम में भी अवेलेबल है, लोवेंजो 20, लोवेंजो 40। तो ये आप कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं खाना खाने से। ओमेप्राजोल को आप कोशिश किया करें, जिस भी मेडिसिन का फार्मूला ओमेप्राजोल हो आप उसको आधा घंटा पहले ही, तो कोई भी मैदे की मेडिसिन हो आप उसको खाने से आधा घंटा पहले ही यूज़ किया करें, ताकि जो है आपको भूख जो है वो भी अच्छी तरह से लगे, आपका जो खाना भी है वो भी अच्छी तरह से हज़म हो जाए। उसके बाद जो हमारे पास सिलान जैसा लेंजोप्राजोल, ये भी आपकी मैदे के लिए है 30 मिलीग्राम। ये भी आप सुबह, ये लेंजोप्राजोल में जो भी है ये आप सिर्फ दिन में एक ही दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले या खाना खाने से 15 मिनट बाद आप इस कैप्सूल को यूज़ करें। इस तरह जो है आपका जो है खाना जो है वो भी हज़म हो जाएगा, आपको भूख जो है वो भी सही तरह से लगेगी। ईजीएम जो है, ईजीएम में ओमेप्राजोल है हमारे पास, ईजीएम 20 मिलीग्राम में भी है, ईजीएम हमारे पास 40 मिलीग्राम में भी है। ये भी जो है आपके स्टमक में किसी किस्म के इशूज़ वगैरह होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास ट्रामाल इंजेक्शन है, ट्रामाडोल, ये एक पेन किलर इंजेक्शन है। जब आपको काफ़ी ज़्यादा पेन हो उस वक्त आप इंजेक्शन लगवाया करें। याद रखें कि स्टार्ट में आप जब भी इंजेक्शन कभी भी मत लगवाया करें, सबसे पहले आप कोशिश किया करें कि आप कोई भी टैबलेट यूज़ करें, उसके बाद ही जो है आप कोई भी इंजेक्शन लगवाएं। अगर आपको फिर भी आराम नहीं आता, इंजेक्शन जो इंजेक्शन का अपने आप को आप आदि बिल्कुल भी मत बनाएं, क्योंकि इंजेक्शन से जो है और भी काफ़ी इशूज़ हो जाते हैं। आपका जो जिस जगह पर आप इंजेक्शन लगवाते हैं वो जगह काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है, सूज जाती है, इसलिए आप इंजेक्शन जो है पहले टैबलेट यूज़ करें उसके बाद इंजेक्शन लगवाया करें। इसके अलावा हमारे पास टोरिब है और ये भी सरल कंपनी का प्रोडक्ट है। इसके अलावा हमारे पास रेस्प्रो SR 200 मिलीग्राम अवेलेबल है। इसके अलावा हमने अभी आपको ट्रामाल इंजेक्शन का बताया, और ट्रामाल हमारे पास कैप्सूल में भी अवेलेबल है, ट्रामाल SR में भी और ट्रामाल प्लस में भी है। ट्रामाल प्लस में जो है हमारे पास यहाँ पर पैरासीटामोल एक्स्ट्रा है, जब आपको बुखार वगैरह हो या सर में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, किसी भी किस्म का पेन होता है, उस वक्त जो आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। देखें सरल कंपनी का लोगो भी यहाँ पर लगा हुआ है, लोगो भी यहाँ पर मेंशन है, आप लोगो ज़रूर चेक किया करें जब भी आप किसी भी किस्म का किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदें। और साथ में एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक किया करें, यहाँ पर देख सकते हैं 1/2022 इसकी एक्सपायरी डेट है। बगैर एक्सपायरी डेट चेक किए आप कोई भी मेडिसिन मत खरीदा करें। तो ये आपके पेन किलर है। और ट्रामाल कैप्सूल जो है, इस कैप्सूल को जो है आप मैक्सिमम 7 से 14 दिन तक आप इस कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई सोजिश वगैरह है उस सूरत में आप ट्रामाल SR यूज़ करें, अगर कोई सोजिश वगैरह है तो आप ट्रामाल SR यूज़ करें, अगर आपको बुखार वगैरह है तो आप ट्रामाल प्लस यूज़ करें, अगर आपको वैसे ही किसी भी बॉडी के किसी भी हिस्से पर पेन है तो आप ट्रामाल कैप्सूल यूज़ करें। और ये तीनों टैबलेट जो हमने आपको बताई हैं, ट्रामाल प्लेन, SR और ट्रामाल प्लस, ये आप दिन में एक ही दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, या एक ही दफ़ा यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप इस कैप्सूल को भी दिन में एक दफ़ा टाइम यूज़ करें, ट्रामाल SR टैबलेट को भी एक टाइम यूज़ करें। उसके अलावा हमारे पास है लैमिनेट, हमारे पास सरल कंपनी का प्रोडक्ट है, 100 मिलीग्राम में भी है, 50 मिलीग्राम में भी है और 25 मिलीग्राम में भी है। इसके अलावा हमारे पास सिम्बेक्स, हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं सरल कंपनी का प्रोडक्ट अवेलेबल है, 10/20 में भी है और 10/10 में भी सरल कंपनी का यह प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। इसके अलावा हम आपको बताएँ मोरसेट हमारे पास टैबलेट है, सरल कंपनी की मोरसेट हमारे पास 5 मिलीग्राम में भी है,
अब देख सकते हैं 5mg और 10mg स्टिक्लोप्राम इसका फार्मूला है। स्टिक्लोप्राम जिस भी कंपनी का फार्मूला होगा वो आप याद रखें कि वो आपके जहनी सुकून के लिए टैबलेट यूज़ की जाती है। अगर आपको मिर्गी के दौरे वगैरह पड़ते हैं, क्योंकि सूरत में जो है आपका जहन जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ जो है वो रहता है, गामसन रहता है, तो सूरत में जो आप ये टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जहनी टेंशन वगैरह रहती है तो सूरत में भी आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा जहनी मरीज़ हैं तो आप इस टैबलेट को दिन में 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, सुबह और शाम। 5mg की टैबलेट आप यूज़ कर सकते हैं और 10mg की टैबलेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक्सपायरी डेट यहाँ पर लिखी हुई है 9/22, आप एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक किया करें। बगैर एक्सपायरी डेट चेक किए आप कोई भी मेडिसिन मत खरीदा करें, याद रखें एक्सपायरी डेट चेक करना लाजमी होता है, क्योंकि मेडिसिन का जो बेस्ट यूज़ है वो उसकी बिफोर एक्सपायरी डेट ही होता है। इसके लिए हमारे पास यहाँ पर वेपटोर 5mg में भी आप देख सकते हैं, 10 में भी है, हमारे पास 20 में भी है। ये आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल जब आपका काफ़ी ज़्यादा हाई होता है उसको नॉर्मल करने के लिए ये टैबलेट यूज़ की जाती है। इसके लिए हमारे पास है वाइट्रम टैबलेट, ये आप देख सकते हैं वाइट्रम, ये एक मल्टी वाइटामिन है, मल्टी मिनरल सप्लीमेंट है। इस टैबलेट को जो है आप एक टैबलेट डेली यूज़ करें, मुझे याद रखें ये टैबलेट जो है बच्चों के लिए नहीं है। अगर कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है तो वो भी इस सूरत में इस टैबलेट को यूज़ नहीं कर सकती। अगर वो इस सूरत में इस टैबलेट को यूज़ करना चाहती है तो उस सूरत में जो है आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, उसके बाद ही जो है आप इस टैबलेट को यूज़ करेंगे। तो ये टैबलेट जो आप दिन में एक दफ़ा डेली यूज़ करें या आप एक दिन छोड़कर भी इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। वाइट्रम टैबलेट ये एक मल्टी वाइटामिन और सरल कंपनी का प्रोडक्ट है। यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है द सरल कंपनी लिमिटेड, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कराची पाकिस्तान। जैसे कि हमने आपको अपने पहले भी वीडियो में इसी वीडियो में बताया था कि ये जो है सरल कंपनी का जो मेन ऑफिस है ये कराची में है। आप ये देख सकते हैं कि वाइट्रम जो है एक मल्टी वाइटामिन है और इसमें जो है A to Z तमाम जो किसी किस्म के भी वाइटामिन्स होते हैं, A to Z वाइटामिन, जिसमें तमाम शामिल हैं। फोलिक एसिड भी शामिल है, मैग्नीशियम भी शामिल है, पोटाशियम, ये सारी चीज़ें इस कैप्सूल में शामिल हैं। ये टैबलेट में चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ वाइटामिन A, B1, B2, B6, B12, C, D, E ये सारी इस टैबलेट में शामिल है। ये बहुत ज़बरदस्त मल्टी वाइटामिन है सरल कंपनी का। आप एक टैबलेट जो है दोपहर के वक्त यूज़ करें, दोपहर के खाने के बाद आप इस टैबलेट यूज़ करें, दूध के साथ यूज़ करें तो इसके ज़्यादा बेहतर नतीजे आपके सामने आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है न्यूब्रल फोल्ट। तो जब आपको ये मसल में आपकी काफ़ी ज़्यादा जब पेन रहता है या किसी किस्म का जो है वो मसल जो आपका पुल हो जाता है, उस वक्त जो है आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। दिन में 2 दफ़ा आप इस टैबलेट को यूज़ करें, सुबह और शाम, खाना खाने के बाद आप इस टैबलेट यूज़ करें। सरल कंपनी का ये प्रोडक्ट है। एक्सपायरी डेट आप ज़रूर चेक किया करें, बगैर एक्सपायरी डेट चेक किए आप कोई भी मेडिसिन मत खरीदा करें। तो इसके अलावा हमारे पास न्यूब्रल जो है ये प्लेन में भी अवेलेबल है। अगर कोई फोल्ड टैबलेट की मैं आपको पैकिंग दिखाता चलूँ, आप साथ में आपको जो है प्लेन की भी पैकिंग आपको दिखाता चलूँगा। ये देखिए ये हमारे पास न्यूब्रल फोल्ट है, ये एक बड़ी टैबलेट है। तो ये अगर कोई छोटी टैबलेट खाना चाहता है, प्लेन की फॉर्म में खाना चाहता है, तो वो प्लेन भी खा सकता है। तो ये दोनों जो हैं, ये देखें ये है हमारे पास प्लेन, न्यूब्रल प्लेन, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको पेन हो, मसल्स में पेन हो या किसी किस्म के बॉडी में पेन हो या जोड़ों वगैरह में दर्द होता है, उस वक्त भी जो है आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास स्टैक 2.4 में भी अवेलेबल है और 2.6 में भी हमारे पास अवेलेबल, और 6.4 मिलीग्राम में भी हमारे पास ये अवेलेबल होती है। ये भी सरल कंपनी का प्रोडक्ट है। ये टैबलेट भी आपको जैसे भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, जिस भी मर्ज़ के लिए सजेस्ट करते हैं, आप उस वक्त से इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास लैनकार्ड XR भी सरल कंपनी का प्रोडक्ट है। इसके अलावा हमारे पास सिप्रोफ्लोक्सासिन और लिवोफ्लोक्सासिन है, जो कि हमारे पास सरल कंपनी के लास्ट 2 प्रोडक्ट्स हमारे पास रह गए, जिनकी डिटेल हमने आपको बताएंगे इसी आज की वीडियो में। तो हमारे पास साइनोक्सिन है, सिप्रोफ्लोक्सासिन में ये है, जब आपको मोशन वगैरह लगते हैं या आपके जब पेट में दर्द वगैरह होता है उस वक्त, या आपको दांत में जब पस वगैरह पड़ जाती है उस वक्त भी ये टैबलेट यूज़ की जाती है। सिप्रोफ्लोक्सासिन इसका फार्मूला हमारे पास 500mg में भी होती है और 250 मिलीग्राम में भी अवेलेबल है। या आप दोनों सूरत में जो है इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। और याद रखें कि कोई भी एंटीबायोटिक जो आप 5 से 7 दिन तक मैक्सिमम यूज़ करें, उसके बाद आप जो है उस एंटीबायोटिक को कभी भी यूज़ मत करें। तो ये सरल कंपनी का प्रोडक्ट है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कंपनीज की कॉपीज़ आ चुकी हैं, तो आप उस कंपनी के वक्त ही उस कंपनी का लोगो ज़रूर चेक कर लेकर जब भी आप कोई भी मेडिसिन खरीदें, ये कंपनी का लोगो आपको बताएगा कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या उसकी कॉपी है। इसके अलावा मैं इसकी पैकिंग भी आपको साथ में दिखाता चलूँ। देखें ये है सिनोक्सिन 500 मिलीग्राम में भी अवेलेबल होती है, 250 में भी अवेलेबल है। जिनकी उम्र 15 या 18 से ऊपर है वो 250 की यूज़ करें, जिनकी उम्र 30 से ऊपर है वो 500 मिलीग्राम में यूज़ करें। दिन में 2 दफ़ा आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं और इसकी एक्सपायरी डेट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 12/2021 इसकी एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट आप ज़रूर चेक किया करें, बगैर एक्सपायरी डेट चेक किए मेडिसिन मत खरीदा करें। इसके अलावा हम आपको लास्ट आइटम जो है आज का बता रहे हैं सरल कंपनी का,
जो कि कंपनी का हमने पूरा ओवरव्यू बताया इस वीडियो में। तो इसका जो लास्ट आइटम है ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाती है, लीवोफ्लोक्सासिन। जब आपको टेम्परेचर वगैरह हो, जब आपके गले में दर्द वगैरह हो, पेन हो, खराश वगैरह हो, जुकाम हो, नज़ला हो, उस तमाम सूरत में जो आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर यह सरल कंपनी का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट किसी भी कंपनी का जो प्रोडक्ट हो आप उसका लोगो ज़रूर चेक कर लिया करें, क्योंकि मार्केट में काफ़ी कॉपीज़ आ चुकी हैं, तो जो लोग आपको बताएगा कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं। एक्सपायरी डेट पर भी हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया, एक्सपायरी डेट आप ज़रूर चेक किया करें। बगैर एक्सपायरी डेट चेक किया आप कोई भी मेडिसिन मत खरीदा करें। तो ये जो है आपके बुखार की सूरत में आप इस टैबलेट को 5 से 7 दिन तक रेगुलर यूज़ करें, इस तरह जो है आपका बुखार जब वो टेम्परेचर जब वो ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों आज हमने आपको सरल कंपनी का जो है वो तमाम ओवरव्यू बताया, उसकी डिटेल बताई, उसके प्रोडक्ट्स की भी डिटेल बताई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी, क्योंकि एक ही वीडियो में हमने इस तमाम कंपनी का आपको डिटेल बताई, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और किस किस फंक्शन के लिए जो है ये प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं। और एक और बात हम आपको बताएंगे कि आप जब भी कोई भी मेडिसिन ख़रीदते हैं तो उससे पहले जो है आप अपने डॉक्टर से, अपने फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट किया करें, क्योंकि आपका जो फिजिशियन है वो आपको हमसे ज़्यादा बेहतर जानता है कि आपको जो है कौन सी मेडिसिन सजेस्ट करनी चाहिए। आपको जो फैमिली डॉक्टर हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएगा कि आपके जो है वो कौन सी मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, तो उस वक्त में ही आप वही मेडिसिन यूज़ करें, आपको वो सजेस्ट करें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस वीडियो के हवाले से आपके कोई भी सवाल आते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। और अगर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते करना चाहते हैं, हमारा नंबर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकॉन के बटन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली भी जो भी वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट भी आपको मिल सके। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।